नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 29 और मैं हूं आपके साथ छवि। क्षेत्र में हो रही लगातार चार पहिया वाहनों की बैटरी चोरी मामले में आज पन्ना पुलिस ने बैटरी चोर गिरोह का खुलासा किया है। ये शातिर चोर गिरोह के 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और 2 अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस ने इन चोर गिरोह के पास से 58 नग बैटरियों के साथ एक इंडिका कार, एक मोटरसाइकिल बरामद की है। कुल मिलाकर पुलिस ने 8,50,000 का माशरुका जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक पन्ना का कहना है कि जिले में लगातार वाहनों की बैटरियों की चोरी होने की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिस पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध पन्ना जिले में अलग अलग थानों में कुल 26 प्रकरण दर्ज किए थे। थाना कोतवाली पन्ना में 1, थाना देवेंद्र नगर में 5 प्रकरण, थाना गुनौर में 5 प्रकरण, थाना पपई में 7 प्रकरण, थाना अमानगंज में 2 प्रकरण और थाना ब्रजपुर में 6 प्रकरण कायम कर विवेचना में लिए गए थे। इन सभी मामलों पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी और चोरी गई बैटरियों की बरामदगी के लिए संभावित स्थानों पर तलाश शुरू की। साइबर सेल पन्ना की मदद और मुखबिर सूचना के आधार पर पुलिस टीम ऐसे व्यक्तियों की जानकारी प्राप्त हुई जो पन्ना जिले में हो रही बैटरियों की चोरी की वारदात में शामिल थे। पुलिस टीम द्वारा कटन तराहा पुरानी सीमेंट की फैक्ट्री के पास पहुंचकर देखा गया तो 3 संदिग्ध व्यक्ति इंडिका वेस्टा कार के पास खड़े मिले, जिन्हें पुलिस टीमों द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया और वारदात के संबंध में पूछताछ किए जाने पर उक्त व्यक्तियों द्वारा पन्ना जिले के विभिन्न गांवों एवं कस्बों से वाहनों की बैटरियों को चोरी करने की वारदात को स्वीकार किया और चोरी की गई बैटरी में से कुछ बैटरी सतना छतरपुर तरफ बेचना और छिपाकर रखा होना बताया। आरोपियों द्वारा पुलिस को पूछताछ पर बताया गया है कि हम लोगों द्वारा वाहनों से बैटरी चोरी करने की घटना पन्ना के अलावा सतना, नागौद और अन्य क्षेत्रों में भी कारित की गई है। आरोपियों द्वारा बैटरी चोरी के अलावा 2 मोटरसाइकिल चोरी करने की बात कबूल की गई है। पुलिस टीम द्वारा मामले में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और 2 विधि विरुद्ध बालकों के घटना में शामिल होने की पुष्टि हुई है। मामले में शामिल 2 आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस टीम द्वारा की जा रही है।